or dash 0. This is a square root. अब आपको कोई भी रैंडम स्क्वायर पता है कि आपको पता है बड़ा नंबर का स्क्वायर, वो मुझे बताओ, मैं ये मेथड से वापिस से करके बताऊ, एक दो बार करूंगा ना, तो अगर बहुत बड़ा नंबर है ना तो इससे फास्ट होगा एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि आप देखो इसमें 61 जैसा प्राइम नंबर आ जाता है, 61 जैसा है, जैसे 3721 है, ठीक है, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल 3721, वहां पे 61 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कुछ भी नहीं है, किसी को पता नहीं, लेट्स से 3721, ठीक है, 3721 मुझे पता नहीं है किसका स्क्वायर, ठीक है, तो रूल्स में जाता हूँ, 3721 सबसे पहला क्या बोलता है, पीछे से 22 की पेयरिंग करनी है, तो पहले दो गए, ठीक है, अब दिमाग में क्या रखना है, कौन सा स्क्वायर या तो इसके बराबर है पहले दो नंबर के या उससे कम है, नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है, 66 बेटा स्क्वायर ही करना है, वो 49 का वैसा नहीं, ठीक है, 49 का 36 वाला नहीं, कंप्लीट स्क्वायर ही चाहिए, तो 36 को, ठीक है, बचा क्या 1 2 1 2 1 के नीचे आएगा, रूल क्या था, जो लास्ट नंबर यहाँ पे किया उसको ऐड करना पड़ेगा 1 2 डैश, तो हमको पता है 1 2 डैश, अब इसमें तो मैं 1 ही डाल सकता हूँ, तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा 121, तो वो किसका आंसर, दिस इज 61 का स्क्वायर, क्लियर है, डिफिकल्ट लगा, अच्छा ऐसा करते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं, हाँ वही इस हिसाब से, लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स से ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, दो दो की पेयरिंग करेंगे, पीछे से दो दो की पेयरिंग करी, अब खुद बताओ कौन सा स्क्वायर 1 या 1 के बराबर होगा, 0 ले लो, ये 32 को स्टेप वाइज करना, 1 को 1 के साथ प्लस करोगे तो 2 डैश, मैं 21 × 1 कर सकता हूँ तो 21, 22 × 2 करूंगा तो 44, वो बड़ा हो गया, और 21 और मेरे पास क्या बचा 1 1, और ये क्या होगा 25, यहाँ पे जो लास्ट नंबर ऐड किया वो यहाँ क्या होगा 2 2 डैश, ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ 2 2 4 × 4 देख ले, तो 4 4 16 4 2 8 + 1 9 4 2 8, तो ये तो छोटा है अभी, चलो 2 2 5 × 5 देख ले, तो परफेक्ट स्क्वायर है, तुझे पता नहीं हो तो फिर वो ऐसे मत कर, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो पॉइंट में जाएगा, और फिर तुम लोग पॉइंट में अभी पहले बेसिक तो सीख लो, सर मेरे को वो रेशन का ही पता नहीं आता, बाद में पहले इसकी बात करते हैं, बेटा एक क्वेश्चन और लेते हैं, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ले लो, लेट अस टेक किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, तो चलो कोई भी रैंडम नंबर लो, उसका स्क्वायर निकाल के मेरे को, रूल क्या बोलता है कि पीछे से 2 के लोगे, पीछे से 2, यहाँ पे 2 बचा नहीं तो 1 ही, ठीक है, अब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है वो छोटा है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, वो भी छोटा है, 3 का स्क्वायर
नहीं वो बड़ा होता है तो हमको किसका स्क्वायर लेना पड़ेगा? टू टू सर फोर अब वन इधर लिया 29 इधर ले लिया अब जो टू लास्ट नंबर यहाँ पे ऐड किया वो यहाँ पे करना पड़ेगा तो कितना होगा फोर एंड डैश तो ये क्या होगा 41 इनटू 1 डैश तो हर बार आएगा तो 41 तो 42 इनटू 2 दैट इज 84 43 इनटू 3 करोगे तो दैट विल गिव यू 129 तो 3 जा 129 तो आपको मिल जाएगा कि ये किसका स्क्वायर है 23 का स्क्वायर है पता चला बेटा ओए दक्षु पता चला श्योर आई होप दिस इज क्लियर हां जी